उपायुक्त हमीरपुर मदन चौहान ने कुछ दिन पहले निजी संस्थानों को व निजी कंपनी को किसी भी सरकारी बिल्डिंग या सरकार के किसी भी सामान पर होर्डिंग लगाने पर जुर्माना करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन नगर परिषद द्वारा अभी तक कुछ स्थानों से होर्डिंग नहीं हटाए गए हैं, जिस पर सवाल उठने लग पड़े हैं। उपायुक्त हमीरपुर मदन चौहान के दिए गए आदेश के बाद नगर परिषद द्वारा कुछ लोगों के होर्डिंग हटा दिए गए हैं, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी पोस्टर व होर्डिंग लगे हैं जो नगर परिषद प्रशासन ने अभी तक नहीं हटाए हैं, जिसको लेकर ये सवाल खड़ा होता है कि कोई ना कोई वजह है जिसके चलते ये होर्डिंग अभी तक क्यों नहीं हटाए गए हैं। लोगों का कहना है कि उपायुक्त महोदय का फैसला सराहनीय है, लेकिन सभी को एक समान नजर से देखना चाहिए। इसका इम्पैक्ट तो सरकार जो इंस्टीट्यूट है उसके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि ये जो ब्रांडिंग है, इस ब्रांडिंग से जो है लोगों को के पास प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का नाम नहीं जा पाएगा। और हम इस डिसीजन से जो है सहमत हैं, क्योंकि पूरे अपना शहर को जो है हम भी चाहते हैं कि हमारा शहर जो है साफ सुथरा रहे, लेकिन इसकी कुछ कमियां रहती हैं कि कुछ इंस्टीट्यूट्स के ऊपर, कुछ संस्थानों के ऊपर ये इम्प्लीमेंट होता है और कुछ संस्थानों के ऊपर ये इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो अगर रूल्स बन रहे हैं तो सभी के लिए एक बराबर रूल्स बन रहे हैं। निर्णय तो अच्छा है, क्योंकि गवर्नमेंट में एक्चुअली इसका ये होता है कि प्राइवेट में जहाँ पर हम होर्डिंग्स लगाते हैं वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, गवर्नमेंट में जहाँ पर गवर्नमेंट साइट्स होती है वहाँ पर जब हम लगाते हैं तो थोड़ा हमें लो कॉस्ट पे मिल जाते हैं वहाँ पर। तो इसलिए हमें क्या होता है, इस चीज़ का इफेक्ट तो पड़ेगा, हमें बिजनेस पे इस चीज़ का इफेक्ट जरूर पड़ेगा कि अगर होर्डिंग्स जो रहते हैं हमारे अगर वो वहाँ से हटा दिए जाते हैं तो क्या होता है कि एक जहाँ पर पब्लिक क्राउड कहाँ पर होता है, जहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर होता है, जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं तो वहाँ पर लोग आते हैं, तो हमें भी ऐड करने के लिए वही एक तरीका होता है, जरिया होता है कि वहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। तो इफेक्ट तो पड़ेगा इसका, नेचुरली से बिजनेस हमारा इससे थोड़ा सा कम हो सकता है इससे। फर्स्टली तो मैं DC साहब दैट इज मदन चौहान जी आते हैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने ये फैसला लिया। एंड अगर इंस्टीट्यूट की बात करें तो इंस्टीट्यूट के लिए ये फैसला जो है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि इससे जो इंस्टीट्यूट है उनको शो ऑफ होने का जो एरिया है वो कम हो जाएगा। बट अगर लॉन्ग रन में बात करें तो ये बहुत अच्छा डिसीज़न है। बट मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो मैनेजमेंट है वो इस डिसीज़न पर स्ट्रिक्ट रहे और ये हर एक इंस्टीट्यूट पर इक्वली वैलिड हो, इक्वली जो है हर एक इंस्टीट्यूट जो है इसको फॉलो करे। ऐसा नहीं कि एक इंस्टीट्यूट जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, दूसरा अपनी होर्डिंग्स लगा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। एंड थर्ड थिंग जो मैं बोलना चाहूँगी वो ये है कि गवर्नमेंट या कमेटी जो है वो कुछ ऐसी साइट्स डिज़ाइन करे, बनाए जो रेंटल हो, और उसके लिए एक मीटिंग रखी जाए, सभी को एक मंच पर बुलाया जाए एंड वहाँ पे उसके रेट्स फिक्स किए जाएं, ताकि इंस्टीट्यूट अपने आप को शो कर सके, शहर में अपने आप को दिखा सके, अपनी एग्जिस्टेंस शो कर सके। एंड उसके लिए जो उससे जो आपका रेवेन्यू जनरेट होगा उसको अच्छे कामों के लिए यूज किया जा सकता है। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। वो मेरी मत कड़ी ना चले।